ओके हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक हमारा क्या है, करंट टॉपिक हम लोग का। अभी करंट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमारा करंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर यू हैव नोन सो फार। ठीक है, आपको कितने गैल्वेनोमीटर के टाइप पता है, कितने गैल्वेनोमीटर्स के वैरायटी आप जानते हो, वो हमें आपको बताना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट टाइप इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेकेंड वन इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड थर्ड वन इज हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। बेसिक जो हमें यहाँ पढ़ना है, तीन गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है, और सबसे ज्यादा मुझे हमें क्या पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमें स्टडी किस टॉपिक के बारे में करना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गैल्वेनोमीटर होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, और कहीं कहीं क्या सुनने में आता है, इट इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। डिटेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्मॉल से स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर पाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, इसकी कुछ खराबियां होती है। इसका लिमिटेशन है कुछ ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर पाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, एमीटर में तब्दील करते हैं, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा तो वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। वो चीज हमें आपको बतानी है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी हमें पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हॉट वायर गैल्वेनोमीटर ये भी थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमें क्या पढ़ना है अभी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दिस इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिक गैल्वेनोमीटर होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और इसमें क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर की जाती है। तो जिस तरह से दिखा रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एज द नेम सजेस्ट इट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब इसमें कॉइल मूव करेगा। कॉइल क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा मतलब रोटेट करेगा। यहाँ पे रोटेटिंग होना चाहिए, मूविंग नहीं होना चाहिए, रोटेटिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉपिक क्या होना चाहिए, मूविंग कॉइल, मूविंग नहीं, रोटेटिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉइल जो होता है ना, इसमें रोटेट करता है, रोटेशन के वजह से इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी रोटेशन कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवाते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करवाएंगे तो रोटेट करेगा, और रोटेशन करने के बाद कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट उस गैल्वेनोमीटर में गया है। तो इस तरह से हमने गैल्वेनोमीटर के मदद से इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर पाते हैं या मेजर कर पाते हैं। तो ये जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं या मेजर कर पाते हैं विथ डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर एमीटर में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस ये भी होता है कि गैल्वेनोमीटर कैन टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट एमीटर कैन नॉट। एमीटर हमें डायरेक्शन नहीं बताता, एमीटर ओनली टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट अबाउट द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, इन विच डायरेक्शन करंट इज मूविंग इन द कंडक्टर। ठीक है, वो एमीटर की खराबी होती है। बात बाकी एमीटर के बारे में आप जानते हैं, जितना ज्यादा रेंज हम चाहे एमीटर का बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो हमें पढ़ना क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब रोटेटिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैं इसको कहूंगा रोटेटिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज रोटेटिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए इसमें कैसे रोटेट करता है, किस वजह से रोटेट करता है। तो पहला हमने बताया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट हमने कॉइल के अंदर में, जब इलेक्ट्रिक करंट कॉइल के अंदर में पास होता है, कॉइल से पास करता है, तो क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एक क्या होता है भाई, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो उस कॉइल को क्या करता है, रोटेट करता है। दैट करंट विल रोटेट द कॉइल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट विल रोटेट द कॉइल। करंट क्या करेगा, कॉइल को रोटेट करेगा। ठीक है, करंट विल रोटेट द कॉइल, और इसके रोटेशन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। मतलब जो अगर मान लो ये कॉइल है, कॉइल अगर थोड़ा सा इधर घुमा ना, थोड़ा सा इधर घुमा तो टॉर्क की वजह से घुमा। इलेक्ट्रिक करंट मान लो ये सिलेंडर है, इसके चारों बगल हमने आयरन के कोर को बाइंड कर दिया, मतलब आयरन के जो वायर होते हैं या कॉपर के वायर अगर हमने इसके चारों बगल प्लेस कर दिया है, तो जितने सारे वायर हमने प्लेस किए हैं सब के सब लैमिनेटेड रहते हैं, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे को टच नहीं करते, एक दूसरे से अलग रहते हैं।
एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ऐसा हमें समझ के चलना। मान लो ये आयरन कोर है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके चारों बगल हमने अगर लेमिनेटेड या इंसुलेटेड कॉपर वायर, आयरन वायर, एल्यूमिनियम वायर डाल रखा है तो क्या होगा, उसके उस कॉइल के अंदर में हम क्या करते हैं, फिर करंट को भी पास करवाते हैं, करंट भी पास करवाएंगे, तो उस करंट के पास होने के वजह से ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये रोटेट करेगा, और इसके रोटेशन के वजह से, इसके रोटेशन के वजह से डिफ्लेक्शन आता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, वही यहां पे कहा जा रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट। क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट, करंट के वजह से वो क्वाइल क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है, मतलब रोटेट करता है, मतलब घूमता है, ठीक है। यहां ये भी कह सकते हैं डिफ्लेक्टिंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, ये भी बोल सकते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन मूविंग क्वाइल अच्छा नहीं लगता, पहले के लोग नाम लिख दिए, बता दिए, हो गया। चलिए, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से उसके अंदर में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होने से वो रोटेट करना शुरू करता है, रोटेशन होने की वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है इस कॉइल में, और डिफ्लेक्शन जो बताएगा वो इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट को बताता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास हो रहा है तो तेजी से डिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस बात को समझिए। तो यहां जो है बेसिक थ्योरी में बता रहा हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, दिस इज द बेसिक थ्योरी। व्हाट इज द बेसिक थ्योरी, बेसिक थ्योरी इज दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट इज बैलेंस्ड बाय, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट इज बैलेंस्ड बाय रीस्टोरिंग कपल और टॉर्क ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग सपोर्टिंग इट। ये हम लोग थ्योरी जानते हैं, समझना चाहिए, ठीक है। क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट इज बैलेंस्ड बाय, इक्वल का साइन हमने लिखा है, इट इज बैलेंस्ड बाय, इसको बैलेंस करने वाला होना चाहिए, जो जैसे हमने मैंने इसको घुमाया, जैसे ये घुमा, जैसे ये घूमता है तो घूमने की वजह से क्या होगा, इसके घूमने की वजह से क्या होगा, इसके घूमने की वजह से फिर ये वापस आना चाहेगा, कुछ जिस चीज से अटैच रहेगा, यहाँ इसके नीचे स्प्रिंग रहता है, इधर कुछ मटेरियल रहती है जो इसको क्या करता है, वापस लाना चाहता है। जैसे कि एक रबर के बॉल को आप स्क्वीज करो, दबाओ, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर लगती है। तो बहुत सारा चीज मैं आपको बता चुका बताऊंगा कि इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी है ना, बहुत सारे चीजें हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़े होंगे, इन इलास्टिक कोलिजन पढ़े होंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी पढ़े होंगे हम लोग, है ना। तो इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे हम रबर को खींचा, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, तो कोई जादू है क्या कि अपने ओरिजिनल शेप में आता है, नहीं, वो जादू नहीं है, वो उसकी इंटरनल फोर्स है, वो उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है वो उसका रीस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग को खींचे, अगर हमने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग क्या करता है, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, मतलब वो स्प्रिंग का क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स, दैट फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, दिस टाइप ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग कपल, यहाँ पे रीस्टोरिंग कपल बोलिए, टॉर्क बोलिए, दिस इज रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग सपोर्टिंग इट, जो वहां पे स्प्रिंग अटैच रहता है, जो स्प्रिंग लगा रहता है, उसके इलास्टिसिटी के वजह से एक रीस्टोरिंग कपल होता है जो बैलेंस करता है किसको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करता है, तो ये इक्विलिब्रियम में आता है, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बी आई एन ए बीना, ठीक है, बीना, इससे पहले सरफेस से जाकर एस करेंगे तो बीन्स हो जाएगा। तो यहां पे टॉर्क को याद रखना काफी आसान है, टॉर्क को याद रखना काफी आसान है, बीना, किसी लड़की का नाम हो तो क्या करेंगे, यहां पर बीना याद रखेंगे, बीना, बी आई एन ए बीना, ठीक है, और वाई लगा दिया तो बीना है ना, तो यहां पर बीना लगा देते हैं, दैट इज इक्वल टू सी इंटू फाइव, C into 5, ये C क्या है भाई, टॉर्सनल कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है, तो वो रीस्टोरिंग कांस्टेंट होता है, वो रीस्टोरिंग कांस्टेंट होता है जो किसी पार्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पर रोटेशनल चीजें होते हैं, जैसे हमने टॉर्सनल कांस्टेंट रोटेटिंग पेंडुलम में पढ़ चुके थे, है ना, रोटेटिंग पेंडुलम में इस तरह का पढ़ चुके थे, सी इंटू फाइव, ये फाइव क्या है भाई, डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, दैट इज नोन एज फाइ। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, करंट मेजरमेंट करना है भाई। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया,
करंट को यहाँ लिखा एंड दैट करंट इज इक्वल टू केजी इंटू फाइव, यहाँ के इंटू जी इज इक्वल टू केजी। केजी क्या है, ये केजी क्या है, वो क्लास वाला केजी नहीं, नर्सरी एलकेजी वो नहीं, ये केजी किलोग्राम भी नहीं, ये केजी का ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, के मतलब कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज इक्वल टू सी बाई बी एन ए, बी एन ए याद रखिएगा, है ना। तो सी बाई बी एन ए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है, जहां पर सी क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पावरफुल मैग्नेट, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेक्टेंगुलर मैग्नेट, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द रोटेटिंग कॉइल, जो कॉइल रोटेट कर रहा है, मान लो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के पास हमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स आयरन का रखा हो, या एल्यूमिनियम का रखा हो, या गोल्ड का रखा हो, या सिल्वर का रखा हो, या फिर एल्यूमिनियम जो भी रखा हो, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, ए इज द सर्फेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल अगर हमने इसके चारों बगल लपेट के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द प्लेन एरिया और सिंपली एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल और सिंपली कॉइल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट को भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे करंट इज इक्वल टू केजी इंटू फाइव, तो केजी इंटू फाइव, अगर हमने केजी को कॉन्स्टेंट बनाया, अगर हमने केजी को कांस्टेंट बनाया, मतलब हमने इस पूरे पेयर को ही हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट बना के रख दिया, अतः हमने इस पेयर को ही कांस्टेंट बना के रख दिया, मतलब ये पूरा पेयर कांस्टेंट है। याद रखिएगा, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लेमिनेटेड कॉइल, ए इज द सरफेस एरिया और सिंपली प्लेन एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। तो ये सब चीजें एक रेशियो है, ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आई इज इक्वल टू फाइव, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव, मतलब आई इलेक्ट्रिक करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो करंट जो मेजरमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा तो करंट ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम करंट कम, या कह सकते हैं करंट ज्यादा मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा, करंट कम डिफ्लेक्शन कम, है ना। तो इस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ये मैंने इतना सारा चीज मैं आपको सिर्फ अभी थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ मैं सिर्फ, फिर इसको और डिटेल में समझेंगे, टेंजेंट सॉरी इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो ये जो आप टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देख रहे हो, इसमें क्या होता है, इसका भी प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्टिकल में क्या होता है, एक वर्टिकल में एक करंट कैरिंग कॉइल होता है, फिर उसके उसी प्लेन में हॉरिजॉन्टली उसके सेंटर के पास हमने क्या करते हैं, एक कंपास व्हील को प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद जो उसमें इस तरह के गैल्वेनोमीटर को हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, ये हॉट वायर गैल्वेनोमीटर होता क्या है भाई। तो ये हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, एज द नेम सजेस्ट, दिस गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह का गैल्वेनोमीटर हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफ्लेक्शन बताएगा। दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्योरली बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट, लेकिन ये क्या है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं है, इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन हॉट वायर गैल्वेनोमीटर में हीटिंग इफेक्ट है, जो हमें नहीं पढ़ना है ज्यादा, इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, हल्का फुल्का हमें इसे पढ़ना है, और हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, तो इस तरह के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक कहानी है। क्या कहानी है, आप देख रहे होंगे कि कहानी ये है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बैलेंस्ड बाय रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग सपोर्टिंग, जो स्प्रिंग उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो स्प्रिंग उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी इलास्टिसिटी के वजह से जो रीस्टोरिंग होगा ना वो बैलेंस करेगा। बैलेंस करने के बाद यहां देखिए फॉर्मूला क्या है, यहां देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा बिना, दैट इज इक्वल टू सी इंटू फाइव, तो केजी का हमने फॉर्मूला लिखा सी बाई बी एन ए, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर।
जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा, करंट कम डिफ्लेक्शन कम, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा करंट ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम करंट कम, लाइक दैट हमें समझना है। क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने में, मेजरमेंट करने में करते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्शन ही बताता है। ओके, हम लोग चलते हैं आगे। फिर